आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। हमारे शहर में स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों, संतों और महापुरुषों के कई पुतले स्थापित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन इनका रखरखाव नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों की भावनाओं को काफी ठेस लग रही है। मेरा उल्हास टीवी न्यूज की टीम ने लिया इसका जायजा। आइए देखते हैं शहर में स्थापित इन पुतलों और प्रतिमाओं की अवस्था। हमारे शहर उल्हासनगर में विभिन्न स्थलों पर संतों, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं और पुतले लगाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण इनका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। मेरा उल्हास टीम ने जायजा लिया और देखा कि कई पुतलों पर ध्यान नहीं दिया गया है, साफ सफाई नहीं की गई है, वहाँ कचरा और गंदगी पड़ी हुई है। तो आखिरकार क्यों नहीं प्रशासन इन पुतलों की देखभाल कर पा रहा है? आम जनता की भावनाओं को ठेस लग रही है कि आज शहीदों और संतों की प्रतिमाओं के आसपास गंदगी का साम्राज्य है, तो मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आम जनता का कहना है। हमारे उल्हासनगर शहर के अंदर अमर जवान, उनका जो अमर जवान चौक है, एक स्थल बना हुआ है उन शहीदों के यादों में, जवानों के यादों में। उनकी हालत देखी जाए तो बेकार है सर। तो प्रशासन को मेरी इतनी नम्र विनती है सभी नागरिकों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, कि अमर जवान चौक का अच्छी तरह से ख्याल करें, यही हमारी शहरवासियों की नम्र विनती है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास।